हेलो एवरीवन, क्या कहूँ किसी से, यह तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सभी समझदार हैं। पर इतना कहूँगा, ज़िंदगी एक खूबसूरत लम्हा है। अगर आपका टारगेट, आपका गोल फिट है तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे, क्योंकि ज़िंदगी एक मैच है। मैच का मतलब ये कि आपके हाथ में बैट है, पीछे स्टंप नहीं है और ना ही कोई कीपर है, बस बॉल आई, अगर पड़ गया तो सिक्स, नहीं पड़ा तो बॉल मिस। बॉल मिस होने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हमें और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से खेलना चाहिए। एक बॉल नहीं पड़ेगी, दो नहीं पड़ेगी, तीन नहीं पड़ेगी, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी टूट गई, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं। उसके जाने के बाद हमें और अच्छे से तैयारी करनी होगी। हमें हमेशा हर पल ये सोचना चाहिए कि हो सकता है अभी भी मुझ में कुछ कमियाँ हों जिन्हें सुधारना है मुझे, और जितना हम ये सोचेंगे उतना ही हम आगे जाएंगे। अब बस ये सोचो मेरा टारगेट क्या है और उस टारगेट को दिन रात सोचना शुरू करो। मेरा भाई, जिस दिन टारगेट तुम्हें सोने ना दे, सपने में आके तुझे तड़पाए और तुझे सताए, उस दिन समझ लेना कि तूने सच में कोई टारगेट फिट किया है, सच में तेरा कोई अपना एक सपना है और सच में तूने कोई गोल फिट कर लिया है। बस उसी के पीछे दौड़, और जब तक दौड़ेगा मेरा भाई, कुछ लोग मंजिल डिसाइड करते हैं, कुछ लोग रास्ता। जो रास्ता डिसाइड करते हैं वो मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो मंजिल डिसाइड करते हैं वो भटकते हैं। कुछ भटकते भटकते मिट जाते हैं और कुछ भटकते भटकते मंजिल पर पहुंच जाते हैं, पर जिनका रास्ता क्लियर होता है वो मंजिल पर ज़रूर पहुंचते हैं। पर खुश वो ज़्यादा होता है जिसको मंजिल दिखती है, पर सच पूछो तो खुश उसको होना चाहिए जिसे रास्ता दिखता है। एक विश्वास के साथ अगर आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं तो आप अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर किसी ने भटकाया, किसी ने कुछ कहा और आप उसकी बातों में आ गए और अपने जिस रास्ते को आपने डिसाइड किया, अगर उस रास्ते से भटक गए तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। अगर किसी ने कहा कि अरे यार तू कहाँ जा रहा है, मंजिल तो तेरी वो है, वो मंजिल बताएगा, रास्ता नहीं बताएगा, और तुम्हें रास्ता चाहिए मंजिल नहीं। जब रास्ता सही होगा तो मंजिल अपने आप तेरे कदमों में होगी। चलो भाइयों, दोस्तों, बढ़ते हैं, समय है, कुछ करते हैं, क्योंकि आज जो हम कर सकते हैं वो कल नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज करूं और कल बैठ के खाऊं, तो शुरू करो और उठो चल दो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि आज बैठूं और कल लात घुचा खाऊं, तो बैठे रहो, इंतज़ार करो। मेरी बात अगर अच्छी लगे तो अच्छी बात है, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, फिर सोचना, फ्री टाइम पे शायद अच्छी लग जाए। ओके, बाय बाय।